नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, ये जो भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसमें हम लोग जो बैंक्स होते हैं हमारे देश के, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, अक्सर उनकी टैगलाइन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी इस बार वीडियो का पेपर देकर आया होगा तो आप पाए होंगे कि उसमें आपका चार बैंकों की टैगलाइन के बारे में पूछा गया था, करेक्ट एंड रॉन्ग फॉर्मेट के तौर पे। अक्सर लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, अक्सर लोग इस चीज़ में कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि लगभग सारे बैंक की जो टैगलाइन होते हैं वो थोड़े बहुत कॉमन होते हैं, इसीलिए कंफ्यूजिंग होते हैं। सो निकल पड़ते हैं आज के सफर पर और देखते हैं कि ट्रिक क्या बनाई जा सकती है बैंक की टैगलाइन को याद करने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर व्यूज ज्यादा आएंगे तो मैं इस पर आपका सेकंड पार्ट भी जरूर बनाऊंगा। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों भारत के सबसे बड़े बैंक के बारे में, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो दोस्तों, इसकी जो टैगलाइन है वो ये है, द बैंकर टू एवरी इंडियन। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप भारत में किसी भी परिवार में चले जाओ, मिडिल क्लास फैमिली में या हाई क्लास फैमिली में, किसी न किसी एक बंदे का उस परिवार में या किसी न किसी एक बंदी का उस परिवार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जरूर खाता होगा। 200 साल से ज्यादा पुरानी बैंक है ये। तो इसकी जो टैगलाइन है उसको रिमेंबर करने का सिंपल तरीका है, द बैंकर टू एवरी इंडियन, हर भारतीय का बैंक। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन। नेक्स्ट वन है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक, लाला लाजपत राय द्वारा शुरू किया गया है बैंक। इसकी जो टैगलाइन है वो ये है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो इसकी टैगलाइन आपकी इंग्लिश में है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। सबसे पहले बात करते हैं। अगला है दोस्तों इलाहाबाद बैंक, और इसकी जो टैगलाइन है वो है अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हो कि इलाहाबाद के लोगों पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इलाहाबाद बैंक अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड याद रखिए तो आप आसानी से किसी भी पेपर में आने वाले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप सिंपल याद रख सकते हैं कि इलाहाबाद के लोगों पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, इलाहाबाद बैंक अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। अगला है दोस्तों विजया बैंक। इसकी जो आपकी टैगलाइन है वो ये है, अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन। तो इसको आप सिंपल याद रख सकते हो, इसका कीवर्ड आप पकड़ लो फ्रेंड, और फ्रेंड कौन है दोस्तों आपका विजय, आपका क्या है फ्रेंड है, अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन। अगला है दोस्तों, नेक्स्ट वन है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी टैगलाइन है रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग। अब हमारे देश से हमारा जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छा है, काफी आपका तगड़ा है, तो इसका कीवर्ड आप पकड़ सकते हो रिलेशनशिप, और किसका है ये, बैंक ऑफ इंडिया का, क्योंकि इंडिया से हमारा जो रिलेशनशिप है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्गर है। नेक्स्ट वन है आपका दोस्तों केनरा बैंक। केनरा बैंक इसको बहुत सिंपल याद कर सकते हैं, टुगेदर वी कैन, कैन कैनरा में आपका कैन आता है, सो आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि टुगेदर वी कैन, कैन आपका कैनरा बैंक से निकलकर आ रहा है। नेक्स्ट वन है दोस्तों, नेक्स्ट वन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और इसकी टैगलाइन है वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड। आप इसको इस तरह याद रख सकते हो कि जो कॉमर्स के बंदे होते हैं, लगभग कॉमर्स का हर बंदा रिलेशनशिप में आपका कमिटेड होता है। कोई भी बंदा साइंस के बंदों की तरह पढ़ाकू नहीं होता, हर किसी की गर्लफ्रेंड, हर किसी का बॉयफ्रेंड होता है। तो उसको सिंपल ट्रिक आप याद रख सकते हो, कॉमर्स मीन्स कमिटेड, COM, कॉमर्स COM, कमिटेड, वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड। नेक्स्ट वन है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गुड पीपल टू बैंक विथ, अच्छे लोगों के साथ आपका बैंक है।
मेरा भी खाता दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ही है, तो मैं भी एक अच्छा इंसान हूं क्योंकि इसका टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। नेक्स्ट वन है दोस्तों देना बैंक, और इसकी टैगलाइन तो बहुत सिंपल है, देना है तो भरोसा है। इसकी टैगलाइन तो बहुत सिंपल है, इसमें तो आपको कोई ट्रिक बनाने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट वन है आपका यूको बैंक, ऑनर्स योर ट्रस्ट, सम्मान आपके विश्वास का। तो ये यूको है वो आपके विश्वास का क्या करता है, सम्मान करता है, वो आपके ट्रस्ट का सम्मान करता है। कौन? यूको। नेक्स्ट वन है दोस्तों एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। जैसा कि आप लोग इसको एक ट्रिक में इस तरह याद रख सकते हो कि जब भी आप ए बनाते हो तो एक लाइन आप नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हो, तो आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, और बढ़ने का नाम ही क्या है, जिंदगी है। नेक्स्ट है आपका HDFC बैंक, सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, मतलब इनके कहने का मतलब है कि हम आपकी दुनिया को समझते हैं, HDFC बैंक। नेक्स्ट वन है ICICI बैंक, ख्याल आपका, मतलब कि अगर आपका ख्याल कौन रखेगा, इसका सिंपल ट्रिक है आपका ख्याल रखेगा ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अक्सर फुल फॉर्म भी इसके पूछे जाते हैं। HDFC का फुल फॉर्म है दोस्तों हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। कोटक महिंद्रा, इस बार UP SSC वीडियो में इसके टैगलाइन पूछी गई थी, और इसकी टैगलाइन है दोस्तों लेट्स मेक मनी सिंपल। अगर आपको अपनी मनी को आसान बनाना है तो आप कहां जाओ, कोटक महिंद्रा के पास जाओ। आप देखते होंगे कि ऑनलाइन कोटक महिंद्रा का अकाउंट खुलवाना कितना आसान है, 811 पे आप डायल करो, आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो ये बड़े सिंपल है, मतलब कि लेट्स मेक मनी सिंपल, इनको ट्रिक याद रखो, कोटक मतलब सिंपल। नेक्स्ट वन है दोस्तों यस बैंक, राणा कपूर का बैंक, मतलब कि इसके चेयरमैन राणा कपूर है। और यस बैंक की जो टैगलाइन है वो ये है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज, मतलब कि इसको आप सिंपल याद रख सकते हो, दो एक्स से मिलकर आपका यस बना है, XX, जब दो एक्स छोड़कर गई तब जिंदगी के बारे में समझ में आया, देन आपकी लाइफ में क्या आया, यस एक्सपर्टीज अवर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज, सॉरी। और आखिरी है दोस्तों, इसको मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि एक किसी एग्जामिनेशन में इंस्टाग्राम के टैगलाइन के बारे में पूछा था, और वो है कैप्चर एंड शेयर द वर्ल्ड मोमेंट्स। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा मगर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने भारत के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनलाइज्ड बैंक्स के टैगलाइन के बारे में जाना। उम्मीद है कि कुछ ट्रिक्स आप खुद भी बना सकते हो, कुछ ट्रिक्स आप लोगों को मेरी बताई हुई पसंद आएगी, क्योंकि स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क जितनी कम से कम हो सके उतना कम से कम हार्ड वर्क कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट वर्क कीजिए। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। गुड नाइट, टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर। नेक्स्ट वन है दोस्तों